राघोगढ़ में आज कामकाजी बैठक मनीष गार्डन रुठियाई में रखी गई है, जिसमें महिला मोर्चा के अध्यक्ष सपना साहू, जिला उपाध्यक्ष श्रीमती पिस्ता ओझा, श्रीमती संध्या राज सिंह लोधी, श्रीमती अर्चना जादौन, श्रीमती सरोज जादौन, पूजा सुरेश महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष ने सभी को संबोधित किया। किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष कल्याणपुरी गोस्वामी का संबोधित हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां बताई गईं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली बहना योजना की उपलब्धियां भी बताई गईं। मीटिंग बहुत सार्थक रही। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर लाडली बहना योजना के लाभ एवं फॉर्म की जानकारी संदर्भ में मीटिंग में बात रखी गई। जो बैठक रखी गई है मोदी जी के 9 साल पूरे होने पर हमने आज बैठक रखी है, कामकाजी बैठक। मोदी जी को हम धन्यवाद भी करते हैं और हमारी एक शुभेच्छा है कि सन 2024 में उन्हीं का वर्चस्व आए। और जैसे आपने युवराज की परिकल्पना जो बोली है ये बहुत पुरानी है, जो हमारे संघ के आरएसएस के उम्मीदवार जी थे कि उन्होंने रखी थी ये परिकल्पना, तो आज उसका परिष्कृत रूप हमें देखने को मिल रहा है। आप देखिए हर घर से लगभग एक आरएसएस से मातृ शक्ति दुर्गा वाहिनी से महिलाएँ जुड़ रही हैं। जो 35 वर्ष से ऊपर की हैं वो दुर्गा वाहिनी में हैं और उससे छोटी मात शक्ति उसमें संगठन में हम लगातार जोड़ रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।